बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 3 को आज हम क्लोज कर रहे हैं। इसका लास्ट टॉपिक आज हम करेंगे मॉडेम एंड टाइप्स ऑफ मॉडेम प्लस वर्किंग ऑफ मॉडेम। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का। फिर नेक्स्ट कल से इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे मॉडेम। व्हाट इज मॉडेम? सबसे पहली बात कि ये डिवाइस कौन सी है। हम इसे कहते हैं ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। मॉडेम इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस। मॉडेम इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन, इसकी मदद से कम्युनिकेशन होती है, रब्ता होता है। अब किसी भी नेटवर्क पे हम दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है? नेटवर्क बनाने का हमारा पर्पस क्या है, मकसद क्या है? ताकि उन दो डिवाइसेस की आपस में कम्युनिकेशन हो सके, उनका आपस में राबता हो सके। कम्युनिकेशन क्या है? अब दो डिवाइसेस को मैं आपस में कनेक्ट क्यों कर रहा हूं? उनके दरमियान डेटा वगैरह, इंफॉर्मेशन वगैरह एक्सचेंज करने के लिए। एक सिंपल सी मिसाल है कि अगर मैं ब्लूटूथ की मदद से दो डिवाइसेस पेयर करता हूं, कनेक्ट करता हूं, तो उन्हें पेयर करने का पर्पस क्या है, मकसद क्या है? ताकि उन दो डिवाइसेस के दरमियान डेटा एक्सचेंज किया जा सके। मेरे मोबाइल में कोई वीडियो है, मैं क्यों कनेक्ट करूंगा कंप्यूटर के साथ या किसी और मोबाइल के साथ? ताकि मैं डेटा एक्सचेंज कर सकूं। वो वीडियो है या कोई पिक्चर है, ताकि मैं ट्रांसफर कर सकूं किसी दूसरी डिवाइस के अंदर। तो ये जो कम्युनिकेशन हमारी नेटवर्क पे होती है, ये सिर्फ और सिर्फ जिस डिवाइस की मदद से होगी वो मॉडेम है। ये मैंडेटरी है। अगर हमने अपने कंप्यूटर को नेटवर्क में किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है, किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ मैंने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, डाटा ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए मॉडेम का होना जरूरी है, मैंडेटरी है। ये नेटवर्क का एक मैंडेटरी पार्ट है। अगर मॉडेम नहीं होगी तो दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकेगी। इसलिए कहा जाता है ये कम्युनिकेशन डिवाइस है। इसकी मदद से नेटवर्क में डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होकर आपस में एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज करेंगे। तो ये कम्युनिकेशन डिवाइस है। अब मॉडेम स्टैंड्स फॉर, इसी के अंदर MOD और DEM को अगर आप अलग अलग लिखे, MOD, ये MOD एंड DEM, मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। दो वर्ड्स हैं मॉडेम शॉर्ट फॉर्म में। एक वर्ड लिखा हुआ है स्टैंड फॉर, क्या है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। MOD स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर, DEM स्टैंड फॉर डीमॉड्यूलेटर। अब ये मॉड्यूलेटर क्या है, डीमॉड्यूलेटर क्या है, ये मॉड्यूलेशन किसे कहेंगे, डीमॉड्यूलेशन किसे कहेंगे? हम यहां पर एक मैं डायग्राम बनाता हूं, उसमें इसकी कम्युनिकेशन का भी पता चल जाएगा। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन भी इस डायग्राम से क्लियर होगी, प्लस मॉडेम की वर्किंग। दो डिवाइसेस है, फॉर एग्जाम्पल डिवाइस ए एंड डिवाइस बी, आपस में हमने कनेक्ट कर दी
ये सेंटर में कोई भी कम्युनिकेशन मीडिया, चाहे वो केबल है चाहे वो वायरलेस कनेक्शन है, हमने सेंटर में गाइडेड मीडिया या अनगाइडेड मीडिया को यूज करके इन दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल ये सेंटर है, डिवाइस ए इज सेंडर एंड डिवाइस बी इज रिसीवर। एक तो मैंने ये बताया कि जब नेटवर्क में ये दोनों डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होंगी तो इनकी जो कम्युनिकेशन है, ये जो आपस में डेटा शेयर करेंगी, उस कम्युनिकेशन के लिए मॉडेम का होना जरूरी है। इसका मतलब यहां पर भी मॉडेम होगी इस सिस्टम में भी, और इस डिवाइस के अंदर भी मॉडेम तब ये आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। अगर मॉडेम नहीं है तो ये डिवाइसेस आपस में कनेक्ट नहीं हो सकती। अब मॉडेम का काम क्या है? मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में एक टॉपिक कराया था, इनकोडर एंड डीकोडर। उसमें क्या था, ये की सारी कहानी आप समझ ले, यहां पर भी कोई सारी रूटीन है। एक बार डिवाइसेस जितनी भी है वो समझती हैं डिजिटल फॉर्मेट को। ये चैप्टर के स्टार्ट में हम पढ़ चुके हैं, जितनी भी डिवाइसेस हैं वो समझती हैं डिजिटल फॉर्मेट को, जीरो एंड वन को। उनकी सारी कम्युनिकेशन, जो भी डाटा उनमें हम स्टोर करते हैं, वो भी डिजिटल फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में होता है, जीरो एंड वन की फॉर्म में। और ये जो मीडियम है, डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग फॉर्म। मॉड्यूलेटर
नहीं अंडरस्टैंड करते, तो ये अमल कहलाएगा डीमॉड्यूलेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल फॉर्म इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। वो अमल जिसमें एनालॉग सिग्नल दोबारा कन्वर्ट बैक होंगे डिजिटल फॉर्म में, तो ये अमल कहलाएगा डीमॉड्यूलेशन। और ये डीमॉड्यूलेशन कौन करेगा? डीमॉड्यूलेटर करेगा। तो डीमॉड्यूलेटर भी हमने ऊपर पढ़ा कि मॉडल के दोनों फंक्शन है, मॉड्यूलेशन करना भी और डीमॉड्यूलेशन करना भी। तो अगर सेंटर के पास मॉडल नहीं है, मॉड्यूलेशन नहीं होगी, हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। रिसीवर के पास मॉडेम नहीं है तो डीमॉड्यूलेशन नहीं हो सकती। डीमॉड्यूलेशन नहीं होगी तो हमारी कम्युनिकेशन नेटवर्क पे पॉसिबल नहीं है। तो स्टार्ट में हमने मॉडेम का इंट्रोडक्शन लिखना है, ये कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसकी मदद से हम नेटवर्क पे हमारी डिवाइस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट। फिर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर उसका जिक्र कर रहे हैं, डेफिनेशन मॉड्यूलेशन क्या है, डीमॉड्यूलेशन क्या है, इन दोनों की डेफिनेशन, वर्किंग ऑफ मॉडेम, ये सारी स्टोरी तो यहाँ पर मैंने बताई है। ये सारी इसकी वर्किंग है कि सेंटर की साइड पे मॉडेम का काम है मॉड्यूलेशन करना। मॉड्यूलेशन पे क्या करेगी मॉडेम? डिजिटल डेटा को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेगी और मीडियम की तरफ भेज देगी। और रिसीवर की साइड में मॉडेम की वर्किंग क्या होगी? वो डीमॉड्यूलेशन करेगी। दोबारा जो एनालॉग फॉर्म में डेटा आया उसे दोबारा किस फॉर्म में कन्वर्ट बैक करेगी? डिजिटल फॉर्म में। तो ये इसकी सारी वर्किंग है। आगे कुछ फीचर लिखे हुए हैं कि सेल्फ टेस्टिंग खुद करती है, खुद चेक करेगी कोई कनेक्शन वगैरह वगैरह ये वो। इसके अलावा स्पीड, इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी स्पीड से काम करती है। कुछ दो तीन उसमें पॉइंट बने हुए हैं। सेकेंड इसका जो मेजर पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ मॉडेम। मॉडेम की टाइप्स कितनी है? टाइप्स ऑफ इंटरनल अंदरूनी। ये अंदरूनी मॉडेम क्या है? जो सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होती है। सिस्टम यूनिट के अंदर, सिस्टम यूनिट क्या है? मॉनिटर के साथ जो बॉक्स पड़ा हुआ है, जो दो शेप में एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये वर्टिकल शेप मैंने बताई है, टावर केसिंग कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल शेप है उसे कहते हैं डेस्कटॉप केसिंग। ये चैप्टर नंबर 1 में मैंने एक्सप्लेन किया था। इंटरनल मॉडेम सिस्टम यूनिट के अंदर एक मदरबोर्ड लगा होता है, उसमें स्लॉट्स बनी हुई है, उन स्लॉट्स के अंदर लगी होती है। और सिस्टम यूनिट की बैक साइड में हम देखें जहाँ से पोर्ट्स हमें नजर आती हैं, यूएसबी पोर्ट्स वगैरह ये वो, उधर ही इसकी भी पोर्ट आएगी जिसमें हम लोग DSL का अगर कनेक्शन लेते हैं तो उसकी जो केबल सिस्टम यूनिट की बैक साइड में जिस पोर्ट में हम लगा रहे होते हैं वो मॉडेम में अटैच कर रहे हैं। तो वो मॉडेम है इंटरनल मॉडेम, जो इनसाइड सिस्टम यूनिट, अटैच्ड इनसाइड सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट के अंदर होती है। फिर इसे एक्सटर्नल पावर सप्लाई की जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ एक्सटर्नल पावर सप्लाई। एक्सटर्नल पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई लेगी कहाँ से? मदरबोर्ड से ही लेगी। जो करंट लेती है वो कहाँ से ले रही है? मदरबोर्ड से ही। तो इजाफी हमें किसी अडाप्टर को लगाने की जरूरत नहीं है कि हम इसे पावर सप्लाई दें। ये कीमत में
चाहिए हमें मिल जाएगी 400 500, बात हुई तो 1000 रुपए की मिल जाएगी। कीमत में अगर कंपेरिजन इसका किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि 400 300 500 1000 रुपए की मिल जाएगी। कीमत तो ना हुई, कीमत में ये बहुत ही सस्ती है, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है, ये मूवेबल नहीं है। इससे अगर मैं कहूँ कि इस सिस्टम से निकाल के दूसरे के साथ अटैच करना है तो मैं इजीली इसे मूव नहीं कर सकता। तो ये इंटरनल मॉडल है जो सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होती है। सेकंड टाइप एक्सटर्नल मॉडल, ये आउटसाइड द सिस्टम यूनिट, इट इज अटैच्ड आउटसाइड द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के बाहर होगी, मतलब अलग से एक डिवाइस ही बनी होगी जो सिस्टम यूनिट से बाहर लगी होगी, उसके अंदर अटैच नहीं होगी। फिर अगर सिस्टम यूनिट से बाहर है तो नीड ऑफ एक्सटर्नल पावर सप्लाई, इससे एक्सटर्नल पावर सप्लाई की जरूरत होगी। अलग से एक अडाप्टर सा हमने लगाया हुआ होगा इसे करंट देने के लिए, इसे एक्टिव रखने के लिए, तो इसे एक्सटर्नल पावर सप्लाई चाहिए। फिर कीमत में ये थोड़ी महंगी है, प्राइस मोर एक्सपेंसिव देन इंटरनल मॉडल। मतलब अगर वो 1000 रुपए की है तो ये 2000-3000 रुपए की होगी, ये इनका प्राइस का डिफरेंस है। फिर इसका एक एडवांटेज जो लास्ट में उसका मैंने डिसएडवांटेज बताया, इसका एडवांटेज ये होगा इसे इजीली एक कंप्यूटर से डी अटैच करके दूसरे के साथ अटैच किया जा सकता है। तो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट पॉइंट्स आ रहे हैं। थर्ड टाइम जो तार के बगैर होती है, अब हमारे मोबाइल्स के अंदर भी मॉडेम लगी हुई है वायरलेस है, या फिर वो जो ईवो आई हुई है हम इंटरनेट यूज करने के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं ईवो, अब उसके साथ कोई तार नहीं है, वो वायरलेस मॉडेम है। किसके साथ ये बेसिकली बनाई, किसके लिए ये यूजेस, अमूमन लैपटॉप्स में इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए, कि लैपटॉप पोर्टेबल है, मतलब इस तरह की डिजाइन की गई कि इसके सिग्नल हर जगह पे आकर के कनेक्शन भी तकरीबन हर एरिया में मौजूद होता है। अब हम अपने मोबाइल को कहीं भी ले जाए जहाँ पर इंटरनेट के सिग्नल ये 3G 4G सर्विस अवेलेबल है, हमारे मोबाइल की मॉडेम उस सर्विस को अवेल करके हम सारे काम मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन भी कर सकते हैं। तो लैपटॉप में हमने इस वायरलेस मॉडेम को यूज क्यों करना है, सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन ही हमने पढ़े हैं, कुछ 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन आए, और इस चैप्टर में से एनुअल पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट है, लाजमी आता है। उस हवाले से इसके जो 8-9 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं आपने लाजमी 1 by 1 तैयार भी करने हैं। जो जो लेक्चर होते जाते हैं आपके साथ साथ डेली बेसिस पे अगर आप तैयार करेंगे तो एंड पे फिर बर्डन नहीं।